आज हम गोभी के पकोड़े बनाने वाले हैं और इसके लिए मैंने आधे गोभी को काट लिया है। अब इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, जीरा 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, थोड़ी सी धनिया पत्ती और 4 हरी मिर्च काट कर डालेंगे और फिर इसमें हम 3 कटोरी बेसन डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में हम तेल गर्म करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पकौड़े डालेंगे। पकौड़े को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें तो पकौड़े अच्छे बनेंगे। पकौड़े जब एक साइड से थोड़े पक जाए तब इसे हम पलट लेंगे। इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। देखिए पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी तरह से बाकी बचे हुए पकौड़े भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए ये पकौड़े भी बनकर तैयार हैं। इस तरह से गोभी के पकौड़े बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और ये बहुत टेस्टी भी होते हैं।